तू यहां क्या कर रही है? जा यहां से, मुझे तेरी सूरत देखना भी पसंद नहीं है। अरे मां बाप औलाद को इसलिए पालते हैं कि उनका सहारा बने, बड़ा होकर उनका नाम रोशन करे, पर तू तो हम सबकी मौत का कारण बनेगी। अरे हमें मारने के बजाय तू खुद क्यों नहीं मर जाती? बाप ऐसा क्यों कहते? खबरदार, जो मुझे बाबा कहा, बाबा मर गया तेरे लिए। ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। हम लोग मिल चुके हैं क्या? आपको देखकर यह भी लगता है कि आप पार्टी में बिल्कुल अकेली हैं। नहीं, आप बिन बुलाई मेहमान तो नहीं? नहीं, वो देख बेटा, इस तरह से बातें करना तुझे शोभा नहीं देता। और पहली बात, नैना पराई नहीं है, नैना इस घर का हिस्सा है। और रही बात नैना और चिंटू के रिश्ते की, वो दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं और कुछ भी नहीं। ये बात तू अपने दिमाग से निकाल दे। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था कि सोनाक्षी तुम्हारे साथ क्या कर रही थी। वो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी नैना, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था। नहीं, ओवर रिएक्ट मत करो दा, संभाल सकती हूँ अपने आप को, इतनी मैच्योरिटी है मुझ में। वैसे एक मजे की बात बताओ, सोनाक्षी के फ्रेंड ने ये सब बातें सुनकर कहा कि मैं और भी इंटरेस्टिंग होगी। अंधा नहीं, देख रहा था मुझे। अच्छा, और फिर? और क्या, आई को लगता है मैं ही गलत हूँ, नैना और दक्ष सिर्फ एक अच्छे दोस्त है। कभी कभी ना सोनाक्षी को देखकर बहुत बुरा लगता है, तरस आता है बेचारी पर। आई भी ना ये छोटी छोटी बातें समझती ही नहीं है। क्या जरूरत थी नैना को दक्ष के साथ उसके बर्थडे पार्टी पर भेजने की? ना उसने उसे इनवाइट किया, ना नैना और सोनाक्षी अच्छे दोस्त हैं, फिर भी मुंह उठाकर बेशर्मों की तरह दक्ष के साथ चली गई। उस तरफ कुछ वेटर्स खाने पीने का अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो तुम जाके देख लोगी? एक्चुअली मैंने सोचा कि तुम वेडिंग प्लानर हो, तो तुमसे अच्छा अरेंजमेंट कौन कर सकता है। हाँ हाँ, जरूर। थैंक्स अ लॉट नैना। जब देखूं दक्ष के साथ नैना फ्री, भगवान करे दक्ष और नैना के बीच कुछ ऐसा ना हो जाए और आई का दक्ष पर भरोसा बना रहे। तो एक डांस करके समझा जी। Come on, let's go. देखिए, अब आप बदतमीजी कर रहे हैं। मुझे गुस्सा मत दिलाइए। गुस्से में तो तुम और भी सुंदर लगती। कौन सा तुम्हारा हमेशा के लिए हाथ मांगा? एक डांस के लिए बस। Come on. तुम समझते क्या अपने आप को? हाथ छोड़ो मेरा। प्लीज सोनाक्षी, मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। यहाँ पे बहुत शोर है, दो मिनट के लिए बाहर चलते हैं। इसीलिए तुम्हें बार बार कह रहा हूँ। अभी नहीं, बाद में चलेंगे। अरे यार अब जिद भी छोड़ो, इतना अच्छा म्यूजिक चल रहा है, लेट्स डांस यार। मुझे डांस नहीं करना है। इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही? नहीं तो नहीं। एक तो तुमने शराब पी रखी है, ऊपर से तुम बिल्कुल ही बेवकूफ हो। अरे यार इसमें इतना भड़कने वाली कौन सी बात है? एक एक डांस के लिए तो पूछ रहा हूं। चलो अब चिल मारो, चलो डांस करते हैं, लेट्स गो।